हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा जूसी, टेस्टी और इजी कबाब की रेसिपी जो कि मिनटों में बन जाती है। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुमाना और यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे मेन इंग्रेडिएंट। यहाँ पर ले लिया है गोश्त के सॉलिड पीसेस, ना यहाँ पर बोन है ना यहाँ पर फैट है, यहाँ पर सिर्फ मैंने गोश्त ले लिया है। एक बड़ी सी प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, धनिया पत्ता है यहाँ पर मुट्ठी भर, और टेस्ट के हिसाब से ले लिया है हरी मिर्च। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक चॉपर ले लिया है, गोश्त, प्याज, हरी मिर्च और धनिया के पत्ते हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों, इसे करने से पहले गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया था और धो के इसका पानी जो है मैंने निकाल लिया था। ये बिल्कुल ड्राई है और ख्याल रखिएगा इसमें बिल्कुल पानी ना हो। यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, हल्दी डाल दिया है हाफ टी स्पून, यहाँ पर एक टी स्पून है काली मिर्च, एक टी स्पून धनिया पाउडर, एक टी स्पून ज़ीरा पाउडर मैंने मिला के यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं भर भर के 2 टी स्पून यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही। अब यहाँ पर दोस्तों, हम बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल महीन तरीके से हम यहाँ पर सारे चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद लौटते हैं, आपको दिखा दे दोस्तों कि कितने अच्छे से फाइनली ये मिक्स हो चुका है। बिल्कुल भी दरदरा नहीं है, बिल्कुल फाइन मिन्स ये बन चुका है। अब यहाँ से हम कीमे को या मिक्सचर को सेपरेट कर लेंगे एक बड़े से बोल में। दोस्तों, ये बड़े मज़े की कबाब है, बस एक बार बनाए आप बार बार बना के इसे खाना चाहेंगे और बहुत ही ये ईजी है बनाने में। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे बेसन। मैं यहाँ पर मिक्सचर के हिसाब से ही बेसन का यूज़ कर रही। मैं यहाँ पर डाल रही 2 टेबल स्पून बेसन। एक जो स्पून है वो हाफ टेबल स्पून का है, इसलिए मैंने 4 बार यहाँ पर डाला है, इसलिए इसका मतलब है यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने बेसन ले लिया है। आप अपने मिक्सर के बाइंडिंग के हिसाब से बेसन का यूज़ करिएगा। दोस्तों, ये बहुत ही इजी स्टेप है कबाब बनाने का। आई होप आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखेंगे और आपको पसंद आएगा। आई एम श्योर इसे ज़रूर ज़रूर बनाना है। आई एश्योर यू बहुत ही टेस्टी जूसी बनके ये रेडी होता है। तो बहुत ही अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पर जो है मिक्सचर रेडी हो गया है, अब इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। दोस्तों, अगर आप इस कबाब को डीप फ्राई ना भी बनाएं तो भी चलेगा, इसे आप शैलो फ्राई बनाएं तब भी ये टेस्टी बनके रेडी होगा। अब इसे हम गरम कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कबाब का शेप दे दिया है। अब थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए हम गरम तवे में इसे डाल देंगे। तेल जो है मैंने लो मीडियम फ्लेम में अच्छे से गरम कर लिया है ताकि तेल गरम रहे लेकिन फ्लेम इसका लो टू मीडियम रहे। तो अब देख सकते हैं मैंने पहले ही 5 से 6 पीसेस कबाब का इसमें डाल दिया है ताकि अच्छे से बोथ साइड इसमें फ्राई हो। डालने के बाद थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस करते रहिएगा ताकि अच्छे से कुक हो अंदर से। दोस्तों, मेरे चैनल में काफ़ी सारे वीडियोस हैं, अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सब अवेलेबल मिलेगी। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो बॉटम साइड था बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे हम टर्न करेंगे और इसका दूसरा साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जो है पूरे कबाब को मैंने फ्राई किया है लो टू मीडियम फ्लेम में। दोस्तों, बिल्कुल भी यहाँ पर हाई फ्लेम का यूज़ नहीं करना है, और अगर तेल की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कबाब दोनों तरफ से फ्राई होके है बिल्कुल रेडी। अब दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि ये कितना सॉफ्ट बनता है और जूसी बन के रेडी होता है। बहुत ही ईजी स्टेप्स है इसे बनाने का और आप देख ही सकते हैं कि कितना लजीज ये लग रहा है दिखने में। आप इसे नॉर्मल रोटी, पराठा, नॉर्मल चावल और पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। देखते रहिए रोमानास टेस्टी वर्ल्ड।